मुझे मालूम है कि वो सवाल टफ होने वाले हैं, आपके लिए मुश्किल होने वाली है, लेकिन आपको जवाब तो देना होगा। सी अरविंद, आपका एक सेक्रेटरी था मनीष सिसोदिया जी का, उसने साफ बोला कि आपकी मौजूदगी में आपके घर पर आपको उसको उनको जीओएम का ड्राफ्ट पेपर दिया जाता है जिसमें साफ लिखा है कि 5% से 12% कमीशन की जाएगी। आप उसका जवाब देना होगा कि आपकी मौजूदगी में हुआ या नहीं हुआ, और इस 5% से 12% क्यों की गई। विजय नायर ने साफ कहा है कि उन्होंने बात कराई आपकी समीर महेंद्र से, और आपने समीर महेंद्र को बोला कि विजय नायर इज माई बॉय, ये कहा या नहीं इसका जवाब भी आपको देना होगा। इसलिए आप इधर उधर की बातें मत करिए, आज आपको सख्त सवालों के जवाब देने हैं। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने की जो आप कोशिश कर रहे हो उसकी पोल मैं नहीं जज साहब खोल रहे हैं। ये देखिए क्या लिखा है कि मनीष सिसोदिया बेल हैज बीन रिजेक्टेड बिकॉज ही इज बिहाइंड द कॉन्स्पिरेसी। ये मैं नहीं कह रहा, ये जज साहब कह रहे हैं। जज साहब ने आपको सर्टिफिकेट देने की दिया है। एक दूसरे जज साहब ने बोला सत्येंद्र जैन के बारे में, ह्यूज लॉस ऑफ पब्लिक फंड्स मस्ट बी टेकन सीरियसली। ये जज साहब ने बोला है। इसलिए कानून अपना काम कर रहा है, मार्टर बनने की कोशिश मत करिए। टफ सवालों के जवाब आपको दे रहे हैं, कानून को अपना काम करने दीजिए।